हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और मैं हूँ किचन में। तो नाश्ते में बना है पोहा। तो यहाँ पे सीमा बाजी अपने लिए पोहा निकाल रही हैं और साथ में मैंने रख दिया अपने लिए जीरे का पानी। तो जीरे का पानी आजकल मैं सुबह सुबह लेने लगी हूँ, हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ। मुझे खुद को अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने वीडियो वगैरह में देखा था कि जीरे का पानी पीने से या फिर हम गुनगुना पानी में नींबू और शहद डालकर पी सकते हैं सुबह सुबह में, तो वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है वो। तो अभी मैं वो तो नहीं, क्योंकि हनी हमारे पास अभी है नहीं, लेकिन मेरे को मंगाना है मार्केट से। और अब तब तक मैं ये जीरे का पानी स्टार्ट कर दिया है मैंने कुछ 3-4 दिन से। ये तो हमेशा पीते ही हैं जीरे का पानी सुबह सुबह खाली पेट, तो अच्छा रहता है खाली पेट। अगर हम सादा पानी भी पियेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है कि सुबह अपनी जो शुरुआत है, दिन की शुरुआत, वो हम अपने पानी से करें। कुछ नाश्ता करने के बाद थोड़े से पोहा बच गए थे, तो फिर मैंने कहा बाहर गाय वगैरह दिख नहीं रही थी मुझे, तो इसलिए मैं छत पर आ गई, सबसे ऊपर वाली छत पर। आज मैं दूसरी बार आई हूँ छत पर, मैं कभी नहीं आई थी इतनी ऊँचाई पे। तो यहाँ पे मैंने वो पोहा डाल दिए थे जैसे चिड़िया वगैरह होती हैं या कबूतर होते हैं वो खा लेंगे। तो अभी चलते हैं नीचे। तो वहाँ पे वो सब्जी वगैरह बना रही थी, तब तक ये पालक रखी थी, तो मैंने कहा लाओ मैं काट देती हूँ पालक को, तो इसलिए मैं ले आई थी। आप लोग ये मेरा वार्डरोब देख रहे हो, ये कितना मैसी पड़ा हुआ है, मुझे उसको सब कुछ सेट करना है। और जो मेरे वूलन कपड़े हैं वो मुझे रखने हैं उठाकर, क्योंकि अब आ गई है गर्मी, उन सब का कोई भी यूज़ नहीं होगा, और फिर से जब सर्दी आ जाएंगी तभी यूज़ होगा उनका। और वैसे भी आप लोग देख रहे हैं कि सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है। मेरे हस्बैंड जो कि जल्दी जल्दी में रहते हैं हमेशा, वो ऐसे ही कपड़े निकाल कर चले जाते हैं। और ये देखो आप कैसे बिखरे पड़े हैं सारे, और मेरे वाले भी ऐसे ही हैं। ये मैं दिखा दूं आप लोगों को, ये मैं लेकर आई हूँ बास्केट। तो मैं ये किस लिए लेकर आई हूँ वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसे हम किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं,
इसमें हम अपने डेली के कपड़े भी रख सकते हैं, या फिर हमारे जो बिना धुले हुए कपड़े हैं जो हम एक साथ में धोते हैं वॉशिंग मशीन में डालकर, तो उनको भी हम ऐसे रख सकते हैं इकट्ठा करके, क्योंकि जो कपड़े होते हैं हम ऐसे ही डाल देते हैं तो वे सारे गंदे हो जाते हैं, और ज़्यादा गंदे हो जाते हैं इसीलिए। और फिर छिपकली वगैरह का डर भी रहता है कि उसमें कोई कीड़े वकौड़े ना घुस जाएँ, तो इसीलिए मैं ये लेकर आई हूँ। उसमें ये मैं गंदे यानी कि उतरे हुए कपड़े रखूँगी इसमें मैं, और जो मेरे डेली के कपड़े हैं वो तो अलमीरा में रहेंगे ही मेरी। तो चलिए अभी हम मंगा लिया है मैंने स्टूल, इस पे चढ़ के मुझे ऊपर का ये करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर मेरा हाथ नहीं पहुंच पाता है, बहुत ज़्यादा ऊंचा है और मेरा गला बहुत ख़राब हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें मुझे सेट करनी है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं अपना, और ये वार्डरोब मेरे को ठीक करनी है। यहाँ पे मेरे कुछ गरम कुर्ते थे वो भी मैंने रख दिए हैं इसमें, और गरम लेगिंग थी वो, और इनकी जैकेट, मेरी जैकेट, टोपे वगैरह, बहुत सारे ऐसे वूलन में कपड़े थे तो वो मैंने इस वाले पैकेट्स में रख दिया। और ये पैकेट हम लोग ना कल दो ही लेकर आए थे क्योंकि उसके पास दो ही थे, मैं सोच रही थी मेरे को ज़्यादा चाहिए थे लेकिन उसके पास दो ही मिले भैया के पास, तो फिर हम लोग ये दो ही ले आए थे फ़िलहाल के लिए। तो ये है ना कि इसमें जो गर्म जैकेट वगैरह रख दो तो फिर सेफ्टी से रखी रहती हैं, नहीं तो फिर मैं अगर बेड में अंदर डालती तो फिर धूल मिट्टी बेड के अंदर भी चले जाती है कुछ, मतलब इतने सारे मैट्रेस बिछे हुए भी हैं, चादर बिछी है, सब कुछ है लेकिन फिर भी उसके अंदर पता नहीं कहाँ से धूल इतनी ज़्यादा पहुँच जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, हम ना इस टाइप के बैग लेकर आएंगे और फिर हम उसको अलमारी में ही रखेंगे। और बाकी जो मेरी नई ड्रेस है मेरी शादी की और इनके कोट पैंट वगैरह वो मैंने इसमें रखे हुए हैं, लेकिन इसमें हमारी जो वार्डरोब है उसमें जगह नहीं थी इसीलिए मैंने उसमें रखे। मेरी शादी का रहेगा, पर एक ही बार कहना रहेगा ना, जरूरी तो लगा हुआ है। हाँ, एक रिसेप्शन वाला लहंगा मैंने इसके अंदर रख दिया है, याद है। ठीक है ना, ये सारे रखे हैं।
तो यहाँ पे मैं इनसे बोल रही थी कि अपने जो भी टी शर्ट्स या फिर लोवर वगैरह हैं, गर्म कपड़े हैं और जो आपको हटाने हैं कपड़े, वो मुझे बता दो कौन कौन से हटाने हैं अभी। तो बस वो वही बता रहे थे कि मुझे ये हटा दो, अभी नहीं पहनना ये हटा दो। और वुलन कपड़े तो फिर रखने ही थे मुझे। और पता है मैं काम कर रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी और हमारा पंखा भी ख़राब हो गया है। आज बुलाया था इलेक्ट्रिशियन को लेकिन वो नहीं आए भैया, तो वो बोलने लगे थे मैं कल आऊँगा। तो देखते हैं, मतलब गर्मी में अब तो ऐसा लगने लगता है दिन में भी पंखा चला लो, और रात में तो खैर चलता ही है पंखा। बच्चे आ गए थे तो बच्चों को कुछ भी सामान दिख गया था यहाँ पे, ये मेरे रखे हुए थे, मैं यहाँ पे सेट कर रही थी। तो एक बैग में उनको ये नथ बोलते हैं ना, नथ मिल गई थी, तो वो सानिया लगा कर देख रही है, दिखा रही है मुझे, देखो मानी कैसी लग रही हूँ मैं। माशाल्लाह से सानिया बहुत अच्छी लग रही है ये वाली पहन के। और अभी बेटू आई है गुस्से में एकदम, वो बता रही है कि मेरे पैर में लग गई है। हाँ, तो खेलते खेलते लग जाती है बच्चों की, कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो वो बता रही थी। और चीज़ें यहाँ पे सेट करने की सोच रही थी, लेकिन यहाँ पे वो बड़े बड़े से प्रोडक्ट थे तो यहाँ पे नहीं बन पा रहे थे।
हाँ मुझे वहाँ पे जहाँ पे मैंने पहले रखे थे ना मुझे नहीं अच्छे लग रहे थे, वहाँ पे सामने ही रखे हुए, तो मैं ये सोच रही थी नहीं मुझे अच्छे नहीं लग रहे मैं यहाँ पे रख देती हूँ, लेकिन फिर बन नहीं पा रहे थे इसलिए फिर मैंने वहीं के वहीं रख दिया। और सफाई करते टाइम पे जो मैं बास्केट खाली कर रही थी उसी में ये खट्टी मेरी गोलियाँ मिल गई बच्चों को, मेले से लेकर आई थी मैं, तो वो यहाँ पे खा रहे हैं, उनको बड़ी अच्छी लग रही हैं ये। तो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ पंखा, और पंखा मुझे साफ करके रखना है। तो आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि मैं पंखा क्यों निकाला है मैंने, तो इसको मुझे साफ़ करना है क्योंकि हमारे घर में जो पंखा लगा हुआ था इस वाले रूम में, ये वाला तो ये ना कल बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रहा था, लेकिन आज ये चलते चलते बंद हो गया है, तो आज तो बहुत ज़्यादा एक दिक्कत आने वाली है रात में, मतलब सो भी नहीं पाएंगे हम लोग अच्छे से। और कूलर भी अभी बंद ही है, मतलब चालू नहीं किया है, सफाई नहीं करी, अचानक से ऐसे बंद हो गया, इतना मौसम ऐसा भी नहीं हो रहा है कि कूलर चलाया जाए, पंखे में ही अच्छा लगता है, लेकिन आज पंखे ने भी हम लोगों को धोखा दे दिया। तो कल सॉरी आज अभी इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था तो वो बोल रहे थे कि अगर कोई भी पंखा है आपके पास से निकाल कर रख लेना, और जो हमारा जो पंखा है वो फूक गया है, तो फिर उसी वजह से उन्होंने ना बोल रहे थे कि 2 दिन बाद मिलेगा, फिर तो अगर अगर फूक गया होगा तो फिर मैं चेक करूँगा उसको आके, पहले चेक करने के बाद ही पता चलेगा कि अगर वो फूका है तो चेंज करवाना पड़ेगा, मोटर वगैरह भरवानी पड़ेगी उसमें, और नहीं फूका है तो फिर तो चली ही जाएगा, लेकिन आज तो वो नहीं आए हैं, तो कल आएंगे, तो कल देखते हैं कल क्या होता है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने एक और पंखा हमारे पास रखा था ऑलरेडी, तो हम लोगों ने ये वाला पंखा निकाल कर रख लिया है, अगर ये सही नहीं हो पाएगा तो फिर हम लोग ये वाला पंखा लगवा लेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे पास ऐसी एक्स्ट्रा में रखी हुई हैं, तो गैस वगैरह भी बहुत सारी रखी हुई है, मम्मी पापा ने इतनी सारी गृहस्थी इकट्ठी कर ली कि मतलब एक एक चीज़ भी हमारे पास चार चार चीज़ें हैं, जैसे गैस हमारे पास चार है, पंखे हमारे पास चार पाँच हैं, ऐसे ही मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो चिगनी चौगनी है, तो रखा हुआ था पंखा तो फिर लाने की क्या ज़रूरत थी, तो फिर हम लोगों ने भी सोचा कि चलो ये तो है ही, लेकिन ये वाला पंखा मुझे बहुत प्यारा लगता था मेरे वाले रूम में, क्योंकि हाँ सीलिंग वाइट है ना, सीलिंग वाइट की वजह से ये जो पंखा है ना बहुत ज़्यादा प्यारा लगता था यहाँ पे, बस अल्लाह करे कि ये ठीक निकले, क्योंकि ये ना ग्रीन कलर में है तो मुझे ज़्यादा कुछ खास नहीं लग रहा है, मुझे मेरा वाला ये वाला पंखा ही बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ अल्लाह करे ठीक निकले, बस देखते हैं कल वो आते हैं क्या होता है बताते हैं फिर वो, ठीक है, तो इसलिए मैंने निकाल लिया था। तो चलिए अभी चल रहे हैं नीचे, क्योंकि टाइम हो गया है 8 बज रहे हैं, मुझे बनाना है खाना पापा जी के लिए, क्योंकि सुबह तो बाजी ने बना दिया था, लेकिन शाम का ऐसा होता है सुबह हम लोग, आप लोग बोल रहे होंगे कि हम लोग की किचन का, तो वो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी किचन अलग अलग नहीं हुई है, हम लोग एक साथ में ही बनाते हैं, एक साथ में ही रहते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि एक दिन खाना वो बनाते हैं एक दिन मैं बनाती हूँ, तो सुबह का खाना तो हम लोग अलग अलग, मतलब कि जैसे एक दिन उन्होंने बना लिया और आया शाम का टर्न, तो शाम में या फिर वो बना लेती हैं बाजी या फिर मैं बना लेती हूँ, तो ऐसा रहता है, और दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग में सुबह का मैं बना लेती हूँ, तो शाम का मतलब कोई भी बना ले, मैं बना लूँ या बाजी बना ले, तो ये रहता है शाम का, तो सुबह का ही बस अलग अलग है और कुछ नहीं है। तो बस यही मैं बताना चाह रही थी कि बहुत सारे कमेंट मेरे पास आ रहे थे ऐसे कि तुम अलग अलग हो गई हो क्या, एक दूसरे से बात नहीं करती हो या ये वो करके, तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि उनको कंफर्म कर दूं, उनको बता दूं
कि ऐसा नहीं है हमारे घर में एक साथ में ही खाना बन रहा है, और अल्लाह ना करे कभी हम लोग अलग हों। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मैं अलग हूँ, क्योंकि मुझे भरा पूरा परिवार ही अच्छा लगता है। मैं एक परिवार से हूँ, मेरी मम्मी भी एक साथ में ही रहती थी। तो मतलब दादा हमारे 5 भाई थे, उनके भी बच्चे, फिर उसके बाद में हमारे पापा 5 भाई थे, फिर उनके भी बच्चे, सबकी शादी हो गई, तब भी मम्मी एक साथ में रहती थी। मम्मी और एक साथ में ही खाना बनता था सबका, मम्मी खुद बनाती थी। कभी चाची का टर्न होता था तो चाची बनाती थी, कभी एक साथ में बना लिया, तो इस तरीके से रहता था। ऐसा नहीं है कि हम लोग कभी भी अलग हुए हैं, और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मैं अलग हूँ। मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि जो शादी करके आती हैं लड़कियां, ज़्यादातर वो अलग हो जाती हैं, या फिर उनके ससुराल वाले भी अलग कर देते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ ऐसा कुछ हो मेरे साथ में। मैं अपने परिवार के साथ में ही रहना चाहती हूँ। मेरी मम्मी ने भी कभी ये नहीं सिखाया कि तुम अलग रहना, अलग करना, ये चीज़ कभी नहीं सिखाया। मम्मी हमेशा साथ में यही बोलती थी। मम्मी ने हमेशा एक अच्छी सीख दी है कि कभी भी अलग मत होना, जो भी है, जैसा भी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अच्छे से रहना बस सबके साथ में, और बड़ों का कहना मानना, बस यही सारी चीज़ें मम्मी ने मुझे सिखाई हैं। मतलब कभी भी ऐसा अपना तेरा की भावना कभी नहीं सिखाई है कि तुम ऐसा करना ससुराल जाके, या वैसा करना अपनी सास के साथ या जिठानी के साथ, कभी भी मेरी मम्मी ने नहीं सिखाया ऐसा कुछ भी। क्योंकि वो अच्छा, एक बात बताओ, अगर कोई भी इंसान है जो अपने पूरे परिवार के साथ में रहता है, तो वैसे सीख क्यों देगा, है ना? नहीं देते हैं ऐसे। और हालांकि हमारे माँ बाप ऐसे होते हैं कि कभी भी ऐसी सीख तो कभी देंगे ही नहीं एक लड़की को, उसको हमेशा यही सिखाएंगे कि हमेशा साथ में रहना और खुश रहना बस, है ना? तो चलिए, अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, बाद में ज़्यादा आप लोगों से नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं बस बच्चों के साथ में मस्ती कर रही थी, और आप लोगों को पता है कि मैं जब बच्चों के साथ मस्ती करती हूँ तो फिर बिल्कुल बच्ची बन जाती हूँ। तो बस यही रहता है मेरे साथ में। और अभी मैं जाऊँगी नीचे, तो बनाऊँगी मैं रोटियाँ, और खाने में क्या बनेगा पता नहीं है, देखते हैं। क्योंकि सुबह तो कढ़ी चावल रोटी वगैरह बनाई थी बाजी ने, तो अभी मैं देख लेती हूँ क्या बनना है। बाजी से पूछ लूँगी, सीमा बाजी से, कि उनको क्या खाना है, क्योंकि ये सही रहता है ना कि जब कोई मतलब इंसान बीमार है तो उनसे पूछ कर ही खाना बनाया जाए, कि खिचड़ी खानी है कि दलिया खाना है कि क्या खाना है, ये चीज़। तो ठीक है, अभी मैं जा रही हूँ नीचे, आप लोगों से थोड़ी देर में बात करूँगी, क्योंकि अभी मैं बात ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, 8 बज रहे हैं यहाँ पे। देखो आने में 5 मिनट की नहीं दिखा, हाँ दिखा, 8 बजने 15 मिनट है, तो पापा जी को खाना खाने का टाइम हो गया है, तो अभी मैं जा रही हूँ फिलहाल नीचे। सो बाय बाय। तो अभी शाम का टाइम हो गया, मैं नीचे आ गई हूँ, तो यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह खाली कर रही हूँ। तो सीमा बाजी नीचे थी, पापा के पास बैठी हुई थी, तब तो मैंने सोचा कि चलो पहले रोटियां सेक लेती हूँ, फिर उसके बाद उनसे पूछ लूंगी कि क्या बनाना है। मैं यहाँ पे बना रही थी सादी वाले आलू, जो पूड़ी और पूड़ी के साथ में बनाए जाते हैं ना, बहुत टेस्टी से वो वाले। तो मसाले, मतलब प्याज और मिर्ची थोड़ी जलने लगी थी, तब तक मैंने मसाले नहीं निकाल पाए थे सूखे, और मुझे उसको पानी में घोल कर डालना था, लेकिन फिर मैंने डायरेक्ट आलू तो मैंने काट लिए थे पहले, तो फिर मैंने वो उसको डाल दिए। और सूखे मसाले तो ऊपर से भी ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है मसाला भून कर ही। फिर इसको अच्छे से भून लो ना, आलू के साथ में मिक्स करके मसाले को अच्छे से भून लो, तो फिर अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो बस मैंने ऐसे ही किया। तो चलिए, ये थी मेरी आज।
ये था मेरा आज का ब्लॉग, आप लोगों को कैसा लगा? अगर मेरा आज का ब्लॉग पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।